हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने मसाला पराठा बनाया है और आलू की सब्ज़ी भी बनाई है। देखिए मैंने कैसा बनाया है, और ये बहुत मज़ेदार लगता है और झटपट से बन जाता है। नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। चलिए मैं बताती हूँ ये कैसे बनाया है, एंड तक मेरे साथ बने रहिए। हम मसाला रोटी के लिए मैंने आधा केजी आटा लिया है, गेहूँ का आटा। उसमें मैं नमक डाल लूँगी, हाफ टी स्पून जितना। देखिए मैं इतना नमक डाल रही हूँ, और हाफ टी स्पून जितना मिर्च डाल रही हूँ मैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, एक बड़ा चम्मच टी स्पून जितना मैंने ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी, 2 टीस्पून जितना मैं इसमें ऑयल डालूँगी। इससे हमारी रोटियाँ बहुत मुलायम बनेंगी। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑयल जो हमने मसाले डाले थे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते हुए इसमें हम गूंद लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से आटे को गूंद लिया। जितना हम पराठे के लिए बनाते हैं उतना ही हमें गूंदना है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है। बस इसे मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। हम मसाला रोटी के साथ ये आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, जो बहुत टेस्टी होती है और झटपट से बन जाती है। मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इन्हें बारीक बारीक ऐसे स्लाइस कर लिए, और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था। इन दोनों को मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी, 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून जितना नमक डालूंगी। और ये सब्ज़ी बहुत झटपट से बन जाती है। मैंने मसाला पराठा बनाने के लिए आटे को भिगो लिया है, उसका तैयार कर लिया है। अभी आलू भी हमारे तब तक अच्छे से जल्द से रेडी हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट में ये बहुत अच्छा लगता है और झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। देखिए हमें कुछ प्याज को भूनना वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल एक साथ हमने इसे डाल दिया, और इसके अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड को बंद कर देंगे। फ्लेम को लो ही रखना है हमें, और पानी कुछ भी नहीं डालना है। देखिए मैं ऐसे ही इसे ढककर पकाऊंगी। देखिए हम इसे चेक कर लेंगे एक बार। देखिए अच्छे से हो रहे हैं। एक बार अच्छे से चम्मच को हम चलाएंगे ताकि नीचे ना चिपके। हमारा पैन है तो नीचे ये नहीं चिपकेंगे। अगर आप कढ़ाई वगैरह ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी मैं। बिल्कुल इतना, थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर से मैं इसे ढाँक लूंगी। लो फ्लेम पर ही रखा है मैंने। मैं लिड को ओपन कर चेक कर लूंगी। देखिए हमारे आलू अच्छे से हो चुके हैं। 3 मिनट हो चुके हैं आलू को मैंने रखकर लो फ्लेम पर ही रखा था। देखिए अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। धनिया पाउडर 1 टीस्पून जितना डालूंगी मैं, और चाट मसाला डाल दिया है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला, हमें ये सारे मसाले लास्ट में डालने हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बस ये बहुत मज़ेदार बनता है और झटपट से हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। मैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिए। हमारे अच्छे से आलू बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं पराठा बना लूंगी। अब इसे थोड़ा सा भून कर मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी। देखिए हमारे आलू कितनी अच्छे से गल चुके हैं। आप इसे ऐसे मैश भी कर सकते हैं, मैंने इसे मैश नहीं किया है। ऐसे भी वो बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसे इस तरह आप मैश भी कर सकते हैं। बस मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ। देखिए मैंने आटे को अच्छे से मिक्स करके इतने साइज़ की छोटी सी लोइयां बना ली है। जितने आप बनाना चाहते हैं, बड़ी छोटी आप बना सकते हैं। इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। आप अंदर ऑयल लगा भी सकते हैं, आपके टेस्ट पर जाता है। आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं, या वैसे भी आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाऊंगी।
ऐसे फिर मोड़कर मैं आटे में थोड़ा सा लगाकर अच्छे से बेल लूँगी। आप राउंड भी बना सकते हैं, ट्रायंगल का भी बना सकते हैं, मैं इसे राउंड बनाऊंगी। ऐसे हमें कोनों से बेलना है तो पराठा हमारा राउंड हो जाएगा और अच्छे से फूलेगा भी। हमारा पैन अब गर्म हो चुका है, मैं इस पर हमारा पराठा डाल लूँगी। मीडियम बनाया है मैंने, ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। देखिए एक साइड ही अच्छे से सिक चुका है, मैं पलटा लूँगी और पलटा कर इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। इसे हमें अच्छे से दोनों साइड ऑयल लगाना है। ऑयल, बटर, घी आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं ऑयल लगा रही हूँ। देखिए हमारा पराठा दोनों साइड अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसमें आलू लगाएंगे, बीच में स्टफ कर देंगे। बस एक साइड अच्छे से इसे आलू को स्प्रेड कर लेना है ऐसे डालकर। बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को ऐसा पराठा बहुत पसंद आता है। वरना आप अलग कटोरी में भी सब्जी दे सकते हैं, लेकिन इस टाइप का पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक साइड अच्छे से हो चुका है, मैं इस पर थोड़ा सा केचप डाल लूँगी। ऐसे मैंने फ्लेम को लो ही रखा है। देखिए अब पलटा रही हूँ, हमारा पराठा अच्छे से रेडी हो चुका है और ये बहुत मज़ेदार लगता है। देखिए हमारा मसाला पराठा बनकर रेडी हो चुका है और बहुत मज़ेदार लग रहा है और झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। आप भी घर पर इसे बनाइए और मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।